यूपी के श्रावस्ती में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश के चलते किसानों की फसल हुई धराशायी। बारिश के दौरान तेज हवा चलने से कई जगहों पर धान की फसल हो गई धराशायी। किसानों के चेहरों पर आ गई मायूसी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते किसानों की फसल धराशायी हो गई है। आपको बता दें, इस समय धान की फसल में बालियां निकल रही थी, जिसके चलते किसानों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सोम शर्मा ने बताया कि बारिश और तेज हवा से धान की फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं गन्ने की फसल भी कई जगहों पर गिर गई है। ऐसे में प्रशासन को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। एक आपदा है जिसके चलते किसान परेशान हुए हैं। मौसम तो ये दैविक आपदा है, इसलिए नुकसान तो बहुत ही, इस समय जो किसानों का नुकसान हुआ, जो बेमौसम बारिश और तेज हवा चला है, इसमें किसानों का चाहे गन्ना हो चाहे धान का फसल, अभी धान के फसल निगल रहा है और सारा फसल गिर करके चौपट हो गया है। हम किसानों का जहां 4 क्विंटल बीघे पैदा होना था, 5 क्विंटल बीघे पैदा होना था, तहां 1 क्विंटल आध क्विंटल बीघे अब किसानों को ही मिलेगा। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि सर्वे करवा करके दैविक आपदा घोषित की जाए और किसानों को इसका मुआवजा दिलवाया जाए। लगातार किसान ही मार खाते हैं, चाहे वो मौसम की बात हो या कुछ और बात हो। कितनी मेहनत करने के बाद अगर फसल लगाई गई थी, आज बिल्कुल तैयार होने की कगार पर थी, अब ऐसे में अगर इन किसानों के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है, ऐसे में किसान क्या करे? इन बात को तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि देश के आज़ादी को 75 साल बीत चुका है, फिर भी किसानों का शोषण जो है जारी है, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला पे हो, नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा हर तरीके से शोषण होता है। और उसके बाद में सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों पे दवाई, खाद, बीज पे 28% तक GST लगा दिया गया है। एक तो सरकारों का जो है किसानों पे मार पड़ रहा है, ऊपर से दैविक आपदा, बेमौसम बारिश, अति ओलावृष्टि, तेज हवाएं, इससे फसल नुकसान हो जाता है, किसान की कमर टूट चुकी है। और ऊपर से सरकारें, जो भी सरकारें आए, किसान के फसलों का वाजिब दाम नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं पूरे क्षेत्र का सर्वे करा करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसे सबके धान गिर गया हुई।